हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन शुड बी सेलेक्टेड फॉर बेटर ट्यूनिंग ऑफ एन LCR सर्किट यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। सो बच्चों, हमें गिवन है चार कॉम्बिनेशंस और इसमें से बताना है हमें कि कौन सा कॉम्बिनेशन LCR सर्किट की बेटर ट्यूनिंग के लिए चूज करना है। सो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे हम कि LCR सर्किट की जो सेलेक्टिविटी है, सेलेक्टिविटी शुड बी वेरी हाई। इट मीन्स अब हाई सेलेक्टिविटी कहाँ मिलेगी हमें? जहाँ पर हाई क्वालिटी फैक्टर मिलेगा। सो बच्चों, क्वालिटी फैक्टर को हम एक्सप्रेस करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर रूट ऑफ सी से। तो हम चारों ऑप्शंस के लिए चेक करेंगे क्यू फैक्टर की वैल्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन वन के लिए क्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1.5 डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू है 20 और सी की वैल्यू है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 35। सी की वैल्यू 35 है तो इसको स्क्वायर रूट में पुट कर देंगे। अब यहाँ बच्चों यूनिट्स को हम कन्वर्ट नहीं करेंगे। सो हम देख सकते हैं यहाँ पर हमें जो आंसर मिल जाएगा क्यू के लिए दैट विल बी, सो दिस इज 1.22 डिवाइडेड बाय 118.32, जिससे हमें वैल्यू मिल जाती है 0.010। अब बच्चों जब ऑप्शन बी की वैल्यूज को पुट करेंगे तो क्वालिटी फैक्टर क्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2.5 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 45। सो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाती है 0.0094। अब बच्चों चेक करेंगे ऑप्शन सी के लिए क्यू फैक्टर को, तो क्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3.5 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 30। सो ये मिल जाएगा 0.022। एंड ऑप्शन डी के लिए जब हम चेक करेंगे क्वालिटी फैक्टर, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 1.5 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 45। सो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी 0.0072। अब बच्चों जब हम चारों वैल्यूज को चेक करेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ को, तो हम देख सकते हैं कि हमें सी केस में जो क्वालिटी फैक्टर है वो हाईएस्ट मिल रहा है। सो बेटर ट्यूनिंग के लिए हम यूज करेंगे सी ऑप्शन की वैल्यूज को। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू।